प्रिय अब्राहम के शाही बीज, मैं संसार भर के उन लोगों को शुभकामनाएं भेजता हूं जो एक साथ एकत्र हो रहे हैं, उकप या प्रसारण के जुड़ने के माध्यम से सुन रहे हैं, उस स्वर्ग से गिरने वाले नए मन्ना से अपने प्राणों को खिला रहे हैं। आप स्वयं यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज रात उन शब्दों को प्रत्येक उस कान के सुनने को अभिषेक करें जो दिव्य ध्वनि के नीचे है, और यदि यहां कोई होंगे या भीतर सुन रहे हैं, बाहर समस्त राष्ट्र में सुन रहे हैं। परमेश्वर हम में से प्रत्येक के कानों का अभिषेक कर रहा है, जैसे कि हम संसार भर से सुन रहे हैं और परमेश्वर की आवाज की दिव्य ध्वनि को सुन रहे हैं जो हमसे बात करती है। यहोवा यूं कहता है, हम परमेश्वर की सच्ची फिर से जन्म पाई कलीसिया हैं, जो हर परिस्थिति में परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करते हैं, चाहे ये कुछ भी हो, क्योंकि यह परमेश्वर की सच्ची बिना मिलावट की आवाज बोल रही है। परमेश्वर अपने आप को हम में अपनी दुल्हन कलीसिया में प्रकट कर रहा है। हम बीज के वाहक नहीं हैं, हम शाही बीज हैं। उसके जीवन की संपूर्णता जो उसमें थी, उसने खुद को फिर से हमारे अंदर वास्तविक सच्ची दुल्हन कलीसिया में परमेश्वर के संपूर्ण वचन को उसकी संपूर्णता और उसकी शक्ति में लेकर आ रहा है। इसके बाद कोई और कलीसिया युग नहीं हो सकता। भाइयों और बहनों, हम अंत में हैं, हम यहाँ हैं, हम पहुँच गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम अंत में हैं, हम पहुँच चुके हैं। दुल्हन ने पहचान लिया है कि हम कौन हैं। यह बीज दुल्हन का समय है। भूसी मर चुकी है, भूसी सूख गई है। हम परमेश्वर के कुंवारी जन में वचन हैं जो प्रकट हुए हैं। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हमें छुआ नहीं जाएगा, हम में कोई भी मनुष्य का नियंत्रण नहीं होगा। हम दुल्हन के कुंवारी जन में हैं। हमें परमेश्वर के द्वारा शुद्ध कुंवारी वचन के प्रति सच्चे बने रहने की आज्ञा दी गई है। बीज को अवश्य ही पुत्र की उस पवित्र आत्मा, मनुष्य के पुत्र की आवाज की उपस्थिति में बैठना है, जिससे कि यह पक सके। और हमारे लिए केवल एक ही तरीका है, बटन को दबाकर चलाए और स्वयं मनुष्य के पुत्र की आवाज को सुने। और मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में कहीं तो एक चुनी हुई कलीसिया है जो बाहर निकल रही है और उन चीजों से एक तरफ अलग हो रही है, और परमेश्वर के प्रकटीकरण ने उसका ध्यान आकर्षित किया है। हम अंतिम दिनों में हैं। हम परमेश्वर के उकाब हैं। हम में कोई समझौता करना नहीं है। हम केवल ताजा मन्ना ही खा सकते हैं। हम पशुशाला में बछड़ों की तरह हैं। हम केवल संग्रहित किया हुआ भोजन ही खाते हैं जो हमारे लिए प्रदान किया गया है। हम संसार भर में परमेश्वर के उकाबों को देख रहे हैं जो उस ताजा मन्ना को चाहते हैं। वे तब तक खोजते रहेंगे जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता। वे और ऊपर उड़ेंगे। यदि इस घाटी में कोई नहीं है तो वह थोड़ा और ऊपर उठेगा। वे परमेश्वर की आवाज से ताजा परमेश्वर के वचन को चाहते हैं। उनकी अनंत मंजिल इस पर विश्राम कर रही है। जहाँ लोथ है वहाँ उकाब इकट्ठा होते हैं। उसकी आत्मा हम पर उसी काम को करने के लिए आई है जो काम उसने किए थे। यह दाने का फिर से पुनः उत्पन्न करना है। हम अब्राहम के शाही विश्वास के बीज हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हर एक चीज को लेकर और उसे ऐसा बताते हैं जैसे कि वह है ही नहीं। हम परमेश्वर के एक भी वचन पर संदेह नहीं कर सकते या गलत स्थान पर नहीं रख सकते, क्योंकि हम विश्वास करते कि ये यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रिय परमेश्वर, हम दुनिया की किसी मूर्खता के लिए उससे मुंह न मोड़े, लेकिन आज रात उसे अपने पूरे हृदय से ग्रहण करें। प्रभु, मुझ में एक अच्छी आत्मा, जीवन की आत्मा को उत्पन्न करें, जिससे कि मैं आपके सारे वचनों पर विश्वास कर सकूं और यीशु उस वचन को स्वीकार कर सकूं जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, और आज उस भाग पर विश्वास कर सकूं जो इस युग के लिए निर्धारित किया गया है। इसे प्रदान करें। प्रभु, मैं इसे यीशु के नाम में मांगता हूं। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अंत समय के लिए परमेश्वर की प्रमाणित आवाज को सुने जब वह हमें उकाब का भोजन देता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा।
परमेश्वर के इस वचन में एक कुंवारी के विश्वास की आवश्यकता होती है ताकि उसकी दुल्हन बने। भाई जोसेफ ब्रैनहम। मगर जब आप उस कथन पर पहुंचते हैं जहां कहा गया है कि मैं और मेरा पिता एक है और अन्य बातें कहते हैं, तब भूसी दाने को छोड़कर अलग। मगर सच्ची मूल दुल्हन वाली कलीसिया, वो अपने बीच में परमेश्वर के संपूर्ण वचन को उसकी परिपूर्णता के साथ प्रकट करेगी, क्योंकि वह कल आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। दुल्हन को वही पवित्र आत्मा मिलता है ताकि वो वैसे ही काम कर सके जो यीशु ने किए थे, और यही दाने का फिर से पैदा होना है।